पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल हो गए। देखना होगा कि हुकूमत ने नौजवानों के लिए क्या किया। आज हमें पाकिस्तान को बचाने और उसकी तरक्की का दोहरा चैलेंज दरपेश है। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का फ्लेटिस होटल में यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। अबूरी जमानत में तौसी की एक और इस्तदा मंजूर। ख्वाजा बरादरान को अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी मिल गई। दोनों भाइयों से साद रफीक और सलमान रफीक को इससे पहले 3 मरतबा अबूरी जमानत मिल चुकी है। ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। नारेबाजी की, हुकूमत की जानिब से हमारे ऊपर कहर आया हुआ है। इमरान खान को मुझसे बहुत तकलीफ है। ख्वाजा साद रफीक। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में हलचल। चेयरमैन कैसर अमीन भट्ट वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। एहतसाब अदालत को बयान दिए जाने का इम्कान। कैसर अमीन भट्ट की जानिब से वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त चेयरमैन नैप ने मंजूर की। जर्राए लाहौर हाईकोर्ट ने माल रोड, हाल रोड, शाल मार्केट और दाता दरबार के इर्द गिर्द तजावजात 24 घंटे में खत्म करने का हुक्म दे दिया। डीसी साहिबा, अदालती हुक्म पर मनोअन अमल होना चाहिए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अदालत में पेश सालिया सईद को हिदायत कर दी। अदालत ने बागीची शाह चिराग में मियानी साहब के राशि से कब्जा छुड़वाने का भी हुक्म दिया। डीसी से कल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने अहाचीमा के जुडिशियल रिमांड में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। साबिक डीजीएलडीए अहाचीमा पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं। रेड जोन से बाहर करार दिए जाने वाले ईंटों के भट्टे खोलने की इजाजत दे दी गई। लाहौर का जिला रेड जोन में शामिल। 31 दिसंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमा तहफ्फुज़े माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का रवा माली साल सूबे में 3 आला मयार की यूनिवर्सिटियां कायम करने का ऐलान। जरूरियात के मुताबिक नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार की नौजवानों के वक्त से गुफ्तगु। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का व्हील चेयर क्रिकेट टीम की भरपूर सपोर्ट का ऐलान। एशिया कप में शिरकत के लिए जाने वाली व्हील चेयर टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 1 लाख रुपए अपने जेब से देने का भी ऐलान किया। यकीन है कि कौमी टीम जीत कर आएगी। चौधरी मोहम्मद सरवर। पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के हसूल में आसानियां। मौत के 60 रोज के अंडर डेथ सर्टिफिकेट लेने की शर्त खत्म। 20 बरस के भी हो जाएं तो पैदाइशी सर्टिफिकेट के लिए अहल होंगे। पैदाइशी और मौत के सर्टिफिकेट में नई तरमीम के लिए वर्किंग पेपर तैयार। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सिफारिशात महकमा बल्दियात को भेज दी। चेयरमैनों को भी मुकम्मल इख्तियार देने की सिफारिश। शहर के एक और तरक्याती मंसूबे का आगाज। मुल्तान रोड तौसीई मंसूबे पर काम शुरू। साबिक हुकूमत का मंसूबा अरसा दराज से ताखीर का शिकार। मौजूदा हुकूमत ने लागत कम करने के लिए मंसूबा 4 लेन से 3 लेन कर दिया। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। शहर से अगवा होने वाले वालिदैन के जिगर गोशों का सुराग न लग सका। 8 साल कज़ेमा यूसफ 5 माह पहले चूंग से लापता हुआ। 22 रोज पहले 16 साल कोमल को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किए लेकिन सुराग न लगा सकी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस तलाश में मदद नहीं कर रही। वरसा का इल्जाम। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जेर एहतमाम मेन कैंपस गुलबर्ग में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। मारूफ शायर डॉक्टर फकर अब्बास की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। लाहौर समेत 7 शहरों के पंजाब कॉलेजेस के तलबा के दरमियान इंग्लिश और उर्दू में तकरीरी मुकाबले।